अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़त। मेरे नए प्रोग्राम मेरे साथ किताब बढ़े में आपको खुश आमदीद। और आज से मैं हर महीने में आप लोगों के लिए एक अच्छी किताब के साथ हाजिर होंगी। तो पिछले साल मैंने तकरीबन 100 से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं और इन किताबों की मदद से मैंने बहुत कुछ सीख लिया है और मुझे अपने काम में भी प्रमोशन हासिल किया है। और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि मैं तो अच्छी अच्छी किताबों आपसे मदारुफ करवाऊंगी और इन किताबों के गरीबी नज़रियात आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपको आप दो वक्त को बचा सकें और इन अजीम लोगों के नज़रियात और इनके ख्यालात से तो फ़ायदा उठाकर अपने ख्वाब बुरा सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ताओदेजी यानी इखलाक की किताब है। आप लोगों ने शायद तो कन्फ्यूशियस कभी सुना होगा, लेकिन ताओइज़्म के बारे में शायद कम जानते हैं। तो ताओइज़्म जिन की एक फ़िलोसफी का एक अहम शाह है। क्यों मैंने इस किताब का इंतखाब किया? सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी कि एक औरत ने कैसे इस किताब के से सबक हासिल करते हुए तो कामयाब हासिल की है। और इस औरत का नाम है तो थाओ हाबी। वो एक गांव में पैदा हुई है और गुर्बत की वजह से उन्हें कभी स्कूल में नहीं जा सकती हैं, तो वो सिर्फ अपना नाम लिख सकते हैं। लेकिन कुछ साल के बाद इनके जब वो 20 साल की थी तो इनकी शादी हुई। लेकिन कुछ सालों के बाद इनकी शोहर वफात पा गए और सिर्फ वो और इनके दो बेटे रह गए। तो ज़िंदगी बसर करने के लिए उन्होंने कारोबार का आगाज़ किया। तो उन्होंने अपने गांव में एक बहुत छोटा और बहुत सादा रेस्टोरेंट खोला और नूडल्स फरोख्त करना शुरू किए। नूडल्स को ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए उन्होंने एक मिर्ची की पत्नी तैयार की है। तो ये है इस तरह की मिर्च की चटनी तैयार की है। तो वहीं हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी कि इस मिर्च की पत्नी इतनी मशहूर होगी। यानी 7 साल के बाद यानी 1996 में उन्होंने 2 मकानात उधार किए। 40 मजदूरों को मुलाजमत फराहम करते हुए मिर्च की ये चटनी बनाने की फैक्ट्री शुरू की है। और इस मिर्च की चटनी का नाम है तो बुल्ही गौतमादर है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना नाम लिख सकते हैं और दूसरे फनहस के नाम भी नहीं सोचा। इसलिए तो ये नाम बुल्ही गौतमादर ये नाम दिया गया है। और वो चूँकि वो कभी भी एक दिन तो स्कूल में नहीं किए, तो वो बता रहे बस कैसे इतने ज़्यादा लोग का इंतज़ाम या किस इनकी देखभाल गलती है। तो इनका रूल ये था कि वो खुश ख्वाहिशात को छोड़ कर और सिर्फ दूसरों की मदद करना है। चूँकि इनकी कंपनी काफ़ी दूर है, इसलिए वो तमाम मजदूरों को मुफ्त खाना और रिहाइश फराहम करती है। तो आज इनके पास तो 2000 से ज़्यादा मजदूर हैं, लेकिन इन तमाम मजदूरों के लिए अभी भी वो मुफ्त खाना और रिहाइश भी फराहम जाती है। खास बात यह है कि कंपनी में तो सबसे थकावट देने वाला काम और सबसे मुश्किल काम तो वह खुद करती है। तो इसी बायस ये कंपनी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। सिर्फ 3 साल के बाद यानी 2000 में इनकी कंपनी की मजदूरों की तादाद
बारह सौ तक जा पहुंची है। तो शुरू में आपको याद है तो 40 मजदूर है, लेकिन सिर्फ तीन साल के बाद इनकी कंपनी की मजदूरों की तादाद तो 1600 तक पहुंच जाती है। और इस वक्त ये लाओ गामा यानी मतलब है बूढ़ी गौतमा द नामी ये मिर्जी की चांदनी की एक दिन में, सिर्फ एक दिन में इसकी फैक्ट्री से तो 12 लाख ऐसे बोटल्स तैयार की जाती है। और 2014 में इनकी कंपनी की मार्केट वैल्यू मतलब है कि 16 अरब यूएन तक जा पहुंची है। और आप देखिए, ज़्यादा ख्वाहिशात को छोड़कर दूसरों की मदद करने से और खिदमत से तो आप तक कामयाबी आसानी से आती है। तो ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बता दें। यानी इस औरत की कामयाबी की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इससे गदा नज़र के आपके मौजूदा हालात तो कितने ख़राब हैं। अगर ये हमारे पास तो ख्वाब हैं तो हम मेहनत करेंगे और अपना ख्वाब तो ज़रूर पूरा करेंगे। दूसरी चीज़ तो ये है कि हम सादी ख्वाहिशात को छोड़कर दूसरों को मदद करना है। जैसे तो थाओ हा पी यानी वो तमाम मजदूरों को मुफ्त खाना और रिहाइश फ्राहम करती हैं, तो कितने कारोबार मालकान ये कर सकते हैं। शायद तमाम बॉस तो पैसे कमाकर वह खुद अपने के लिए एक अच्छे मकान खरीदें, एक अच्छी गाड़ी खरीदें, लेकिन तो मजदूरों के लिए शायद इतने अच्छे नहीं होंगे। लेकिन थौहा भी तो ऐसा गर्दी है और इनके स्टाफ इसलिए तो बहुत वफादार है और इनकी कामयाबी में भी मदद करता है। तो उन्होंने ये कैसे ये कामयाबी हासिल की है तो जवाब है कि ये तौदजिन के रूस के इस्तेमाल करने की एक मिसाल है। तो तौदजिन यानी इखलाक के बारे में ये किताब है तो लाओज़ ने लिखी है। तो यानी तकरीबन 500 कबल मसीह में यानी आज तक 2500 साल से पहले लाओज़ तो उस वक्त एक फिलोसफर थे और ये किताब सिर्फ बादशाह के लिए है। यानी ये किताब तो रहनुमाई के लिए है। ये किताब तो गैर मुर्गी ज़ुबान में तर्जुमा की जाने वाली चीनी किताबों में से सबसे मशहूर है। और मैं कोशिश करूँगी कि आसानी तो आसान लफ्ज़ में इस किताब के गरीबी नज़रियात आपके साथ शेयर करूँगी। इस किताब के खुलासे के तीन अहम नुकात हैं और पहला ये है कि ये दुनिया मुसलसल बदल रही है और हम सिर्फ ये तब्दीली का ज़रा है। तो हमें किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होना चाहिए। ये तो पहला करीदी नुक्ता है। और दूसरा ये है कि हम और हमारी दुनिया एक अगाई है यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमारा हर अमर तो आपको वापस लौट दिया जाएगा। ये तो दूसरा है। और तीसरा ये है कि हमें दूसरे लोगों की बेलोस खिदमत करनी चाहिए, लेकिन किसी के सामने बेजा हाथ नहीं फैलाना चाहिए। तो एक जुमले में इनकी नज़रियात को समझने की कोशिश करो तो कहा जा सकता है कि हम अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को छोड़कर दूसरों को मदद करेंगे। ये तो ये बुरी किताबों की करीदी पॉइंट है। तो आप ये कहानी सुनकर और ये किताब के करीदी ख्यालात सुनकर आपको कैसा लगा? और ये है तो आज की ये किताब है, इसमें
एक पॉइंट ये है, तो पहला पॉइंट है कि दुनिया मसलसल बदल रही है, यानी अभी देखने में तो अच्छी हो, शायद इसके बाद बुरी बात बन सकती है, इसीलिए हम तो एक दवीर अरसे से ऐसे मौजूदा सूरत हाल को देखना चाहिए। जैसे अभी वो वबाई सूरत हाल के दौरान शायद हम कभी बाहर नहीं जाते या तो शायद सैर नहीं करते, यहाँ तक के हमें पर तो नुकसान बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम तो शायद इस वक्त से फ़ायदा उठाकर तो ज़्यादा किताब पढ़ें, ज़्यादा इल्म हासिल करें, तो शायद ये हमारे लिए एक मौका होगा, तो हम ज़्यादा प्रमोशन हासिल लेंगे, ये तो मुमकिन होगा, है ना। तो इसीलिए मैं आपको ये इस बुक शेयर करना चाहती हूँ कि हम अपनी ज़ाती ख्वाहिश को छोड़ कर एक है तो दूसरी को मदद करें, एक है तो हम इस वक्त से अच्छी तरह फ़ायदा उठाकर ज़्यादा किताब पढ़ें और ज़्यादा इल्म हासिल करें और हम अपने ख्वाब के लिए मेहनत से कोशिश करें। ठीक है, तो ये है आज की किताब और ये दाओ दे जिंग में तो दानिशमंद और अगल की बातें हैं, और तो कल हम दोबारा मिलेंगे और मैं आपको और ज़्यादा कहानियाँ आपको सुनाऊंगी और ज़्यादा अजीम लोगों की नज़रियात आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो इफ़त को इजाज़त दीजिए, और अगर आप किस मौजू की किताबों से दिलचस्प लेते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बता दें, और मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी अच्छी किताबें आप लोगों को तो इंट्रोड्यूस मतारुफ़ करवाऊँगी और हम एक साथ बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका बहुत शुक्रिया, और इफ़त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।